हेलो बच्चों, वेलकम टू द ऑफिशियल चैनल ऑफ आईआईटी आश्रम। आई बिलीव आप लोगों का खोज का एग्जाम बहुत बढ़िया हुआ होगा और आप लोग बहुत उत्सुक होंगे अपने सॉल्यूशंस और आंसर की को टैली करने के लिए। बट बिफोर वी स्टार्ट वीडियो सॉल्यूशन, मैं आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ। जैसा कि आपको पता है कि खोज के एग्जाम के थ्रू आपको स्कॉलरशिप मिलता है, जो भी आपका स्कोर बनता है आपको उसके अकॉर्डिंगली स्कॉलरशिप डिसाइड होता है। बट आपका स्कॉलरशिप के साथ साथ में एक एडिशनल स्कॉलरशिप दिया जा रहा है 5% का, जस्ट इन केस अगर आप 29th अक्टूबर के पहले रजिस्टर करते हैं। अगर आप कोई भी एग्जाम जो आप दे रहे हैं, अगर आप नेक्स्ट क्लास के लिए जब आप एनरोल करते हैं आईआईटी आश्रम में किसी कोर्स के लिए, जो भी आपका स्कॉलरशिप होगा उसमें 5% एड ऑन किया जाएगा अगर आप 29th अक्टूबर के पहले रजिस्टर करते हैं। मतलब अगर आपका स्कॉलरशिप 40% आता है तो आपका 45% स्कॉलरशिप कर दिया जाएगा। अगर आपका स्कॉलरशिप 50% आता है तो 50 के बजाय आपको 55% स्कॉलरशिप ऑफर किया जाएगा। एंड आई बिलीव कि ये इन्फॉर्मेशन जो है ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगी और आप अपने पेरेंट्स तक ये मैसेज पास ऑन करें, राइट? सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो सॉल्यूशंस। चलिए बच्चों, तो शुरू करते हैं अपन खोज का सॉल्यूशन। और यहाँ पे आपके सामने सबसे पहला सवाल है मेंटल एबिलिटी का, विच इज बेस्ड ऑन मिसिंग नंबर। तो बच्चों, अगर मेंटल एबिलिटी की बात की जाए तो कई बार क्या होता है, एग्जाम के अंदर बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आपको तुरंत क्लिक कर जाता है और कई बार बहुत सिंपल क्वेश्चन जो होता है वो भी आपको क्लिक नहीं कर पाता है। इट्स प्योरली द स्टेट ऑफ माइंड, कितना प्रैक्टिस करा हुआ आपने, क्या क्या दिख रहा है वो मैटर करता है। तो यहाँ पे आपके सामने सवाल है कि एक मिसिंग नंबर ढूंढना है हमको, कि मिसिंग नंबर क्या होगा। तो मिसिंग नंबर ढूंढने के लिए काम करते हैं, देख लेते हैं क्या पैटर्न ऑब्जर्व हो रहा है। तो इसके पीछे का लॉजिक ये है कि देखिए, यहाँ पे सी लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे एच लिखा हुआ है एंड यहाँ पे जे लिखा हुआ है, कुछ तो कनेक्शन डेफिनेटली होगा। अब यहाँ पे 26 है और ये कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, तो इन नंबर्स के बीच का जो कनेक्शन था वो एक्चुअली ये था कि 2 ये नंबर प्लस सी की जो पोजिशन होती है 3, उसके बाद प्लस 5, है ना, ये क्यों आ गया, सी की पोजिशन। सो 2 × 3 × 5, उसके बाद आप इसमें मल्टीप्लाई कीजिए 3 का ये नंबर का और माइनस कर दीजिए 4। अब देखिए आपको क्या मिलता है, सो 5 + 3 + 2 विच इज 10, 10 × 3 = 30, 30 - 4 = 26। तो यहाँ पे नंबर आ गया 26, राइट? अब हम ये देखते हैं कि यहाँ पे क्या आएगा। पहले एक वेरीफाई कर लेते हैं हमारा लॉजिक सही है कि नहीं। वेरीफाई कर लेते हैं कि 4 प्लस एच की पोजिशन लिखनी पड़ेगी यहाँ पे और उसके बाद में आ जाएगा अगेन एक 4, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय ये जो नंबर है हमारा 3 वो राइट हैंड साइड पे था, दैट इज 5। तो यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई कीजिए और माइनस कर दीजिए यहाँ से 10। लेट्स चेक करते हैं, तो H की पोजीशन कौन सी होती है, A B C D E F G H, तो H इज द 8th नंबर, तो 8 आ गया यहाँ पे, विच गिव यू 16, है ना। 16 5 जा होता है 80, 80 माइनस 10 कितना होता है 70, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो यहाँ पे ये नंबर 70 लिखा हुआ है। तो अब हम सोचते हैं कि हमारा नंबर जो मिसिंग है वो क्या होना चाहिए, तो हो जाएगा 8 + j की पोजीशन लिखनी पड़ेगी यहाँ पे, 8 + j की पोजीशन +6 × something, पता नहीं क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, -6 = 90, राइट? चलिए अब j की पोजीशन कौन सी होती है, j की पोजीशन होती है 10th, a b c d e f g h i j, राइट, 10th पोजीशन होती है, यहां लिख दीजिए 10। व्हाट इज 6 + 8 = 14, 14 + 10 = 24, 24 के अंदर क्या मल्टीप्लाई किया जाए ताकि आपको 96 मिले, है ना, मैंने 6 राइट भेज दिया तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x will be equal to 4, तो ऑप्शन आ जाएगा कि यहां पे आपको 4 रखना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है बच्चों। चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल है आपका, हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर इन द गिवन फिगर। तो एवरीवन कैन इजीली कैलकुलेट, आराम से निकाल सकते हैं आप इस चीज को, बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये। तो दिख रहा है कि स्क्वायर की काउंटिंग करते हैं, तो वी हैव 1, 2, 3 और 4, ठीक है, काम करते हैं एक पैटर्न से जाते हैं। सबसे पहले काम करते हैं ये जो बड़े साइज 1/1 का स्क्वायर है, ये साइज का ये काउंट करते हैं, ठीक है, तो ये कितने होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये साइज के हो गए 9। चलिए अभी काम करते हैं, ये जो 2/2 के स्क्वायर हैं, जो ये वाला बना हुआ है, दिस वन, दिस ऑल्सो स्क्वायर, सो 1, देन यू हैव 2, राइट, ये 2 हैं, इधर तो कुछ भी नहीं है, तो ये वाले स्क्वायर आ गए 2। अब जो स्क्वायर के अंदर है, देखिए ये वाले छोटे वाले 1, 2, 3, 4 और ये पूरा कितना हो गया, ये हो गए 5,
ये 5 स्क्वायर ये वाले भी हो गए, इसके अंदर मिला के टोटल 5 स्क्वायर्स हैं, ठीक है। फिर अगर बात करते हैं यहां पर भी ऐसा ही है, तो ये भी कितने हो जाएंगे, ये 2 टाइम हो जाएंगे, कितना हो जाएगा 10, और यहां पे कोई स्क्वायर कंप्लीट नहीं हो रहा है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 तो बड़े वाले हो गए ये बॉक्सेस, है ना। उसके बाद मैं काम कर लेता हूं, मैं इसको ना चेंज कर लेता हूं कलर इसका, ताकि आपको क्लैरिटी मिले कि मैं कौन से स्क्वायर्स की बात कर रहा हूं। तो यहां पे टोटल मिला के 21 स्क्वायर है, आपको दिख गए होंगे, बट जस्ट इन केस अगर नहीं समझ में आया तो आप ये देख सकते हैं कि ये वाले स्क्वायर जो है, ये वाले स्क्वायर ये मिला के 9 है, ठीक है। फिर मैं एक कलर कर देता हूं चेंज यहां पे, लेट मी हैव अ ब्लू कलर, ये वाला स्क्वायर, दिस स्क्वायर, ये वाले कितने स्क्वायर है बच्चों, ये वाले स्क्वायर हैं बड़े साइज के 2, ठीक है। उसके बाद एक काम करते हैं हम और काउंट कर लेते हैं ये वाले, ठीक है। तो ये छोटे वाले स्क्वायर हैं जो मैंने वाइट किया, ये मेरा कितने, ये कितने साइज है, ये एक ब्लॉक में 5 है, 1 2 3 4, और पूरा कंप्लीट भी एक स्क्वायर है, ऐसा 2 बार है, तो आंसर कितना आ जाएगा, 9 + 2 = 11, 11 + 10 = 21, तो इस फिगर में 21 स्क्वायर्स थे, राइट। चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट इज बबीता इज स्टैंडिंग इन अ पार्क फेसिंग द नॉर्थ, ओके। क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन डायरेक्शन सेंस, वेरी बेसिक, अपने आप को एज्यूम करो कि आप खुद खड़े हो वहां पे। तो बबीता इज स्टैंडिंग इन अ पार्क फेसिंग द नॉर्थ, देन शी टर्न 180 डिग्री क्लॉकवाइज, आफ्टर दैट शी टर्न 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, देन शी टर्न 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, शी फाइनली टर्न 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, विच डायरेक्शन इज शी फेसिंग नाउ, कौन सी डायरेक्शन में फेस कर रही है। तो बबीता जी के बारे में बात हो रही है यहाँ पे, तो ये बोला हुआ है कि बबीता इज फेसिंग इन अ पार्क फेसिंग नॉर्थ। देखिए तो ये हम मान लेते हैं इधर हमारा ईस्ट होता है, वेस्ट बंगाल ईस्ट में, गुजरात, गुजरात हमारा वेस्ट में, उसके बाद नॉर्थ, एंड देन यू हैव साउथ, ये डायरेक्शन है। अब बोला है बबीता जो है वो फेस कर रही है कौन सी डायरेक्शन में, बबीता फेस कर रही है नॉर्थ में, यानी उनका डायरेक्शन फिलहाल ये है, ठीक है। चलिए अब बोला भाई शी टर्न 180 डिग्री क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज का मतलब होता है घड़ी के डायरेक्शन, दिस इज क्लॉकवाइज, जैसे घड़ी जाती है, और एक होता है एंटी क्लॉकवाइज, जिसका मतलब होता है घड़ी के डायरेक्शन से विपरीत, एंटी क्लॉकवाइज, ACW, ठीक है। चलिए तो बोला है कि शी टर्न 180 डिग्री क्लॉकवाइज, जब वो 180 डिग्री क्लॉकवाइज चलेगी तो ये पहली पोजीशन है उसकी, अगली बार उसकी पोजीशन हो जाएगी ये, ठीक है, ये पोजीशन आ गई 180 डिग्री क्लॉकवाइज करने के बाद। आफ्टर दैट शी टर्न 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, अब 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो अब सेकेंड पोजिशन यहां पर आ गई, ऐसे 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज यहां पर है, देन शी टर्न 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, उसके बाद फिर से 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, मतलब ये पोजीशन आ गई, ठीक है, इस डायरेक्शन में आ गए। फिर बोला हुआ है फाइनली शी टर्न 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, सारे एंटी क्लॉकवाइज थे तो 90 डिग्री मतलब यहां पे हो जाएगा एज इट इज, ठीक है। विच डायरेक्शन इज शी फेसिंग नाउ, तो गाइस फिर से ध्यान से देखिए, मैं फिर से आपको एरो के हेल्प से बताता हूं। बबीता जी का फेस अभी नॉर्थ में था, 180 डिग्री क्लॉकवाइज, यानी नीचे की तरफ आ गए, उसके बाद बोला है शी टर्न 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज हो गया, फिर शी टर्न 45 डिग्री अगेन एंटी क्लॉकवाइज, अगेन एंटी क्लॉक हो गया, उसके बाद बोला है शी फाइनली टर्न 90 डिग्री अगेन एंटी क्लॉकवाइज, यहां पे आ गए, बोला है विच डायरेक्शन इज शी फेसिंग नाउ, शी इज फेसिंग बिटवीन नॉर्थ एंड वेस्ट, आंसर इज नॉर्थ वेस्ट, ऑप्शन नंबर ए, ए आपका आंसर होगा। वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन था ये, आई थिंक ये आराम से आपसे बन गया होगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 4th, 4th and 5th आर बेस्ड ऑन सर्टन काइंड ऑफ कोडिंग, कोड दिया हुआ है, लेट्स रीड द क्वेश्चन। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन 2, column 1 and 2 हैव बीन गिवन, इन column 1 फ्यू वर्ड्स आर गिवन, बिल्कुल सही, डिजाइन, इनफॉर्म, मदर, राइट, टेलर, गार्डन, उसके बाद बोला हुआ है फ्यू वर्ड्स आर गिवन इन द column 1 and 2 हैव बीन कोड्स बीन गिवन यूजिंग द पर्टिकुलर रूल, इनके कोड्स दिए हुए यहाँ पे, राइट, यू कैन सी द कोड्स, राइट। देन द ऑर्डर ऑफ द स्मॉलर लेटर हैव बीन प्लेस्ड इन जंबल्ड अप फॉर्म, मतलब ये जो है ये जंबल्ड किए गए, तो डी के लिए कौन है, आई डोंट नो, इट्स नॉट लाइक कि डी के लिए यू है, ई के लिए के है, ऑर्डर नहीं है, जंबल्ड करा हुआ है, ठीक है। डिकोड द लैंग्वेज एंड चूज द ऑल्टरनेटिव विच इज इक्वल टू द लेटर आस्क इन द क्वेश्चन, लेटर आस्क इन द क्वेश्चन, तो लेट्स, ये आपको दिया हुआ है वर्ड, ये उसके दिए हुए हैं कोड्स, एंड यू हैव टू फाइंड कि एन का कोड क्या था, एन का कोड क्या था। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, और देखिए ध्यान से, देखिए आपको पता करना है एन कहाँ है। आप चेक कीजिए एन कौन कौन से लेटर में आ रहा है, क्या गार्डन में आ रहा है, यस, क्या टेलर में आ रहा है, नहीं,
राइट्स में आ रहा है? नो. मदर में आ रहा है? नो. इनफॉर्म में आ रहा है? यस. डिजाइन में आ रहा है? यस. आई कैन सी द लेटर एन इज अपियरिंग इन थ्री वर्ड्स. नाउ लेट्स फाइंड आउट कि अगर इधर भी एन है, इधर भी एन है, मतलब इधर इनका कोड होना चाहिए. अब देखिए पहले तो कि इन दोनों में कॉमन क्या क्या है. इन दोनों में क्या डी कॉमन है? नो. क्या इन दोनों में ई कॉमन है? नो. क्या एस कॉमन है? नो. क्या आई कॉमन है? यस, आई कॉमन है. क्या इनमें जी कॉमन है? नो. और क्या इसमें एन कॉमन है? यस. तो आई और एन कॉमन है. आपको ये मिल गया कि डिजाइन और इनफॉर्म में टू लेटर्स आर कॉमन, दो लेटर कॉमन है. अब ध्यान से देखिए, डिजाइन फिर से चेक कर लीजिए. डी कॉमन है? नो. ई कॉमन है? नो. एस कॉमन है? नो. आई? यस. जी? नो. एन? यस. सो वी हैव टू लेटर्स कॉमन बिटवीन डिजाइन एंड इनफॉर्म. गार्डन पे बाद में आते हैं. अब यहां पे देखिए, इन दोनों में कॉमन क्या है? क्या दोनों में यू कॉमन है? यू? ना. क्या के कॉमन है? यस, के कॉमन है. के इज कॉमन. क्या इसमें एल कॉमन है? नो. क्या इसमें बी कॉमन है? यस, बी इज कॉमन. क्या इसमें जे कॉमन है? नो, जे इज नॉट कॉमन. क्या इसमें जेड कॉमन है? नो. तो आई और एन का जो कोड होगा या तो के होगा या बी होगा. अब ध्यान से देखिए, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन. अब पूरा निकालने की कोशिश मत कीजिए कि हम गार्डन में भी ढूंढ लेते हैं ना. ऑप्शन देखिए, व्हाट इज द कोड ऑफ द लेटर एन? या तो के होगा या बी होगा. क्या ऑप्शन में के और बी दोनों प्रेजेंट है? के तो है, बी नहीं है. जवाब आपका आ चुका है. इतना ही करना था सॉल्व, पूरा ढूंढना नहीं है. ये मालूम पड़ गया इसका आंसर के होगा. राइट गाइस? तो इसी तरीके से आप, तो अगले सवाल पे आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है. इन द फॉलोइंग क्वेश्चन, वही सेम कॉन्सेप्ट है. बोला लेटर निकालना है, कोड निकालना है ओ का. अब ओ देखिए कहां पे आ रहा है. ओ आ रहा है इनफॉर्म में और आ रहा है मदर में और आ रहा है टेलर में. लेट्स पिक दिस टू, इनको पकड़ लेते हैं. अब इनफॉर्म की बात करते हो और मदर की बात करते हो तो यहां पे कॉमन आपके सामने है. आई कॉमन है? नो. एन? नो. ओ कॉमन है? यस. उसके बाद आर कॉमन है? यस. और एम कॉमन है? यस. ओ आर एम कॉमन है. यहाँ पे कोड्स देखिए, कोड्स में कॉमन क्या है. कोड्स में आई कैन सी सी कॉमन है. यस. उसके बाद बी नहीं है. एक्स कॉमन दिख रहा है मुझे, बिल्कुल सही. और मुझे यहाँ पे कॉमन दिख रहा है वाई. तो सी एक्स और वाई है. लुक एट द ऑप्शंस. वाई है, यस. एक्स और सी नहीं है. ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए. ठीक है, वेरी इजी वन. लेट्स मूव ऑन, आगे चलते हैं. नेक्स्ट सेम कॉन्सेप्ट बेस था, इसी क्वेश्चन का पार्ट था. कोड ढूंढना है लेटर का जी. तो देखिए जी कहां पर है. जी दिख रहा है तो डिजाइन में है ना. जी दिख रहा है डिजाइन में. और कहां दिख रहा है? और दिख रहा है मुझे राइट्स में. ठीक है, और डिजाइन में दिख रहा है और दिख रहा है तो गार्डन में भी दिख रहा है वैसे तो. तो इन दो को पकड़ सकते हैं अपन. तो लेट्स से अगर डिजाइन और गार्डन को देखते हैं तो कॉमन क्या क्या मिलता है. तो डिजाइन, क्या डी कॉमन है? यस. क्या ई कॉमन है? यस. उसके बाद क्या एस कॉमन है? नो. क्या आई कॉमन है? नो. क्या जी कॉमन है? यस, वही ढूंढना है हमको. एंड क्या एन कॉमन है? यस. चलिए यहां पे देख लेते हैं कोड कौन से कॉमन है. कोड की बात करते हैं तो यू कॉमन है? नो. के कॉमन है? यस, के कॉमन है. उसके बाद एल कॉमन है? यस, एल कॉमन है. बी? नो. जे? यस. और उसके बाद जेड? यस. ये चार लेटर कॉमन है. तो के एल जे जेड आपको ढूंढना है कोड जी का. तो के एल जे जेड में ऑप्शन कौन कौन सा है? K L J Z. आई थिंक मुझे J दिख रहा है. ठीक है, K दिख रहा है, L दिख रहा है. J और Z में ओनली कॉमन इज ऑप्शन नंबर D, दैट इज J इज कॉमन. ठीक है बच्चों, चलिए आगे बात करते हैं, अगले सवाल पे आते हैं. सिलेक्ट द रिलेटेड लेटर फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव. बोला J H B V I R, B H I J R V, N A V F X T. अब आपके सामने एक कोड लिखा हुआ है कि J H B V I R का जो कोड है वो आपने लिखा हुआ है B H I J R V. बोला बताइए N A V F X T का कोड क्या होगा. आप केयरफुली देखिए, ये जो भी वर्ड था J H B V I R आपने इसको एक्चुअली अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज किया. देखिए A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V. आप देख सकते हैं इसको हमने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर दिया है. तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जब मैं अरेंज करूंगा, सबसे पहला लेटर क्या होगा? सबसे पहला लेटर A होगा. और A से शुरू होने वाला हमारे पास एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर A. ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगले सवाल पे आते हैं. इफ A क्रॉस B, मतलब A इज टू द साउथ ऑफ B. A plus B means A is to the north of B. A divided by B means A is to the east of B.
ए माइनस बी मीन्स ए इज टू द वेस्ट ऑफ बी. उसके बाद बोला देन इन दी दिस सिंबॉल पी डिवाइड बाय क्यू प्लस आर माइनस एस, एस इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू क्यू. चलिए तो लिखा हुआ है पी डिवाइडेड बाय क्यू प्लस आर लिखा हुआ है और फिर माइनस एस लिखा हुआ है. ठीक है, अब सवाल है कि पी डिवाइड बाय क्यू, डिवाइड मतलब क्या होता है. पी देखिए ए डिवाइड बाय बी का मतलब है ए इज टू द ईस्ट ऑफ बी, तो पी जो है वो ई क्यू के ईस्ट में है, पी जो है वो क्यू के ईस्ट में है. तो क्यू का ईस्ट तो इधर हुआ, लेट मी हैव द डायरेक्शन, ये ईस्ट होगा, ये वेस्ट होगा, ये नॉर्थ होगा, ये साउथ होगा. ठीक है, ये आ गया क्यू इज पी इज टू द ईस्ट ऑफ क्यू, ये हमने सॉल्व कर दिया. फिर क्यू और आर के बीच में प्लस है, तो क्यू प्लस आर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लस. ए प्लस बी मतलब होता है ए इज टू द नॉर्थ ऑफ बी, जिसका नाम पहले लिखा है वो नॉर्थ में है, तो क्यू इज टू द नॉर्थ ऑफ आर, क्यू इज टू द नॉर्थ ऑफ आर, तो आर के नॉर्थ में क्यू है, बिल्कुल सही. फिर आर और एस के बीच में आप देख सकते हैं बच्चों माइनस लगा हुआ है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइनस, वेयर इज द माइनस, माइनस इज हियर. ए माइनस बी का मतलब है ए इज टू द वेस्ट ऑफ बी, ए इज टू द वेस्ट ऑफ बी, तो आर जो है वो वेस्ट है किसके, आर इज टू द वेस्ट ऑफ एस हो जाएगा, तो आर जो है वो वेस्ट में है, तो एस का वेस्ट तो इस तरफ ही होगा, देख सकते हैं आप, है ना. इफ आर इज टू द वेस्ट ऑफ एस, अगर आर एस के वेस्ट में है मतलब कि एस जो है वो आर के ईस्ट में है, वही लिखा हमने. अब सवाल है एस क्यू के रिस्पेक्ट में कौन सी डायरेक्शन में होगा, क्यू जो है क्यू के रिस्पेक्ट में एस जो होगा वो डायरेक्शन कौन सी होगी, इस तरफ, है ना, दैट इज दी साउथ ईस्ट. व्हाट इज साउथ ईस्ट, ऑप्शन नंबर बी, बी हमारा आंसर बन जाएगा, राइट बच्चों. चलिए अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9th. हाउ मेनी पेयर ऑफ लेटर आर देयर इन द वर्ड क्रिएटिव विच हैव एज मेनी लेटर्स बिटवीन देम इन द वर्ड एज इन द इंग्लिश अल्फाबेट. तो क्रिएटिव वर्ड जो है इसमें जो पेयर ढूंढना है सी आर ई ए टी आई वी ई सच दैट कि इंग्लिश अल्फाबेट में उनके बीच में जितने लेटर आते हैं, लेट्स से एग्जांपल ए और सी, ए और सी के बीच में एक आता है बी, तो यहां पर भी ऐसा कोई पेयर मिलना चाहिए कि जिनके बीच में एक ही लेटर है और इधर भी उतने ही लेटर होने चाहिए. जैसे एग्जांपल की अगर मैं बात करता हूँ इस सवाल में तो कौन कौन से ऑप्शन बन जाएंगे, कौन कौन से रूल बन जाएंगे, क्या क्या नंबर बन जाएगा वो हम समझ लेते हैं. सबसे पहले देखिए आप ध्यान से सी और ई, सी और ई की बात करते हैं तो ए बी सी डी और ई, सी और डी में यहां पे एक लेटर होता है, आप देख सकते हैं यहां पर भी सी और ई में एक लेटर है, तो वन पेयर इज सी ई, एक पेयर सी बन गया. वैसे आपको और पेयर ढूंढना है कि और पेयर कौन कौन से पॉसिबल बन सकते हैं. ठीक है, अब देखिए ध्यान से एक और दिख रहा है आपके पास, यहां पे ए और ये वाला ई, ठीक है, तो ए और ई बेसिकली ऑब्जर्वेशन बेस्ड है. अब ए के बाद देखा जाए तो बी है, सी है, डी है और ई है, तो ए और ई के बीच में तीन लेटर आ रहे हैं, आप देख सकते हैं यहां पर भी तीन लेटर हैं, तो एक पेयर मिल गया आपको कौन सा, ए और ई, तो वन पेयर इज सी ई, अदर पेयर इज ए ई. नाउ और ऑप्शन ढूंढ लेते हैं कि और कौन सा ऑप्शन बन सकता है. एक ऑप्शन बनेगा आपको ध्यान से देखिए टी और वी, अगर आप टी और वी को ध्यान से देखें एस टी यू वी, तो टी और वी के बीच में एक लेटर है, यहां पर भी आप देख सकते हैं एक ही लेटर है, तो टी और वी जो है वो एक पेयर मिलता है. तो इन शॉर्ट आपके पास यहाँ पे तीन पेयर मिलेंगे, इसके अलावा कोई भी पेयर नहीं मिलेगा. तो प्योरली ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन था, थोड़ा टाइम लगता है इसके अंदर काउंट करने में, ठीक है, बट एक बार आपको दिखना शुरू हो जाता है तो आप आराम से निकाल सकते हैं. चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं. यहाँ पे लिखा हुआ है ए एंड बी आर चिल्ड्रन ऑफ डी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट वन एंड टू इज नेसेसरी. चलिए ए एंड बी आर चिल्ड्रन ऑफ डी, तो क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन दी है उसको बना लेता हूँ. सो ए एंड बी आर चिल्ड्रन ऑफ डी, तो ये कंडीशन बन गई, ए एंड बी आर चिल्ड्रन ऑफ डी. सवाल है कि ए के फादर कौन है, यहाँ पे बोला है कौन सा स्टेटमेंट सफिशियंट होगा. अब इतनी इन्फॉर्मेशन तो क्वेश्चन में दी थी, पहली स्टेटमेंट सी इज द ब्रदर ऑफ ए, सी जो है वो ए का भाई है, मतलब सेम जनरेशन लेवल पे होगा और ये ब्रदर है, तो सी इज द ब्रदर ऑफ ए एंड द सन ऑफ ई, सी इज द ब्रदर ऑफ ए एंड सन ऑफ ई, ई का बेटा है. अब ई की बात करते हैं, ई मेल है कि फीमेल है पता नहीं, यानी ये तो कंफर्म हो गया डी के बच्चे ए और बी हैं, ठीक है, डी ए एंड बी आर चिल्ड्रन ऑफ डी. फिर इंफॉर्मेशन है सी इज द ब्रदर ऑफ ए एंड सन ऑफ ई, तो ई एंड डी आर द कपल और उनके बच्चे आपको दिए हुए ए बी और सी. सवाल है कि फादर कौन है, हु इज द फादर ऑफ ए,
फादर ऑफ ए भी हो सकता है, फादर ऑफ ए डी भी हो सकता है, अभी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं है, ठीक है, यहां तक इन्फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं है। फिर आपको दिया है क्वेश्चन के अंदर ए एंड बी आर चिल्ड्रन ऑफ डी, सो ए एंड बी आर चिल्ड्रन ऑफ डी हमने बना दिया यहां पे, ए एंड बी आर चिल्ड्रन ऑफ डी बना दिया। सेकेंड स्टेटमेंट को यूज करते हैं एफ इज द मदर ऑफ बी, एफ इज द मदर ऑफ बी, एफ जो है वो बी की मदर है। अगर इस स्टेटमेंट को यूज किया जाए, अब डी के बच्चे ए और बी हैं, एफ तो उसकी मदर है, यानी फादर कौन हुआ, फादर डी हुआ, यानी सेकेंड स्टेटमेंट जो था उससे मैं आंसर निकाल सकता हूं, देयर इज नो नीड कि मैं बाकी इंफॉर्मेशन यूज करूं, ओनली ऑप्शन टू, सिर्फ स्टेटमेंट टू से मेरा आंसर आ जाएगा, राइट। सेकेंड स्टेटमेंट इज सफिशियंट टू गिव मी द आंसर, बिकॉज डी के बच्चे ए और बी हैं, और बोला हुआ है कि एफ बी की मॉम है, तो डी फादर ही होंगे ना, तो यहां से आंसर निकल जाता है। चलिए आगे चलते हैं। सिलेक्ट द वर्ड दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर थ्री, अ वेरी इजी क्वेश्चन बेस्ड ऑन बायोलॉजी, कोरॉइड, पुपिल, रेटिना एंड सेरेब्रम। तो गाइस, फर्स्ट कोरॉइड, प्यूपिल एंड रेटिना, ऑल थ्री आर द पार्ट्स ऑफ आई, आंख के हिस्से होते हैं, सेरेब्रम इज नॉट, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे चलते हैं, काफी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, क्या है देख लेते हैं। अ क्वेश्चन इज फॉलोड बाय टू स्टेटमेंट नंबर वन एंड टू, द क्वेश्चन मे और मे नॉट हैव आंसर्ड विद द हेल्प ऑफ दीज स्टेटमेंट, यू हैव टू डिसाइड इफ दीज स्टेटमेंट्स आर सफिशियंट टू आंसर द क्वेश्चन, ओके। सो क्वेश्चन इज ऑन व्हाट डे, किस दिन श्यामा गो टू शिमला, श्यामा शिमला कब गई थी, श्यामा शिमला कब गई थी, श्यामा शिमला कब गई थी, सवाल क्या है, शिमला कब गई थी, ओके। स्टेटमेंट नंबर वन, ओनली संडे हॉलीडे होता है, संडे इज द हॉलीडे, ओनली संडे इज द हॉलीडे, ठीक है। श्यामा वॉज इन शिमला ऑन हॉलीडे, संडे कोई हॉलीडे होता है, इतनी इंफॉर्मेशन दी, तो श्यामा शिमला कब गई थी, वी कैन नॉट से एनीथिंग, है ना। अब फर्स्ट स्टेटमेंट को भूल जाओ, सेकेंड स्टेटमेंट है, सवाल था श्यामा शिमला कब गई, श्यामा हॉलीडे वाले दिन शिमला में थी, गई कब थी ये नहीं दिया है, हमें पूछा गई कब थी। अब दोनों को कंबाइन भी कर लेते हैं, संडे को हॉलीडे होता है, श्यामा जो है वो संडे को हॉलीडे वाले दिन शिमला में थी, सवाल था गई कब थी, बोथ स्टेटमेंट वन एंड टू आर नॉट सफिशियंट। तो पहला लिखा है ओनली वन इज सफिशियंट, नो, बोथ स्टेटमेंट वन एंड टुगेदर, नो, ईच स्टेटमेंट वन एंड सफिशियंट टू आंसर क्वेश्चन, नो, स्टेटमेंट वन एंड टू टुगेदर आर नॉट सफिशियंट, यस, वी कैन नॉट आंसर द क्वेश्चन बिकॉज द क्वेश्चन इज, सवाल पूछिए, सवाल क्या था, सवाल था श्यामा शिमला कब गई थी, शिमला में कब थी वो नहीं पूछा है, है ना, कब ये पूछा होता शिमला में कब थी, तो बोला है कि संडे को ही हॉलीडे होता है और हॉलीडे वाले दिन वहां पे थी, तो आंसर अलग होता, लेकिन यहां बोला है कब गई थी, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए, 5% जी ई आर डब्ल्यू एन पी लिव ऑन अ 5-floor बिल्डिंग, 5 floor की बिल्डिंग पे रहते हैं, ईच पर्सन लिव ऑन ईच फ्लोर, बॉटम फ्लोर नंबर एज फ्लोर 1 एंड अबव फ्लोर इज नंबर एज 2 एंड सो ऑन टॉप फ्लोर नंबर एज 5, परफेक्ट, 1, 2, 3, 4, 5, टू पर्सन आर, ओके, पहले तो देख लेते हैं कि है क्या, है ऐसा कुछ कि बिल्डिंग है, बिल्डिंग में इसको हमने नंबर 1 दिया है, यहाँ पे नंबर 2 है, यहाँ पे नंबर 3 है, यहाँ पे नंबर 4 है और यहाँ पे नंबर 5 है, ये 1, 2, 3, 4, 5 बिल्डिंग के फ्लोर नंबर्स है। टू पर्सन आर लिव बिटवीन जी एंड डब्ल्यू, जी और बी, जी और डब्ल्यू के बीच में दो लोग रहते हैं, तो जी और डब्ल्यू के बीच में दो लोग रहते हैं, सॉरी ये जी आएगा, जी और डब्ल्यू के बीच में दो लोग रहते हैं, तो ऊपर कौन है पता नहीं है, तो मैंने दो केस बना दी तुरंत, जी और डब्ल्यू के बीच में दो लोग रहते हैं, लेकिन आपको लिखा हुआ है टू पर्सन लिव बिटवीन जी एंड डब्ल्यू, जी लिव अबाउट डब्ल्यू, जी ऊपर रहता है, यानी ये वाला केस होगा, ये रूल्ड आउट। फिर बोला है कि आर लिव इमिडिएटली अबाउट जी, आर जो है वो इमिडिएटली जी के ऊपर रहता है, तो आर आ गया यहां पे, आर लिव इमिडिएटली अबाउट जी, पी लिव बिलो ई, पी लिव बिलो ई, अब ऑप्शन ही नहीं है, आर यहां पे, जी यहां पे, दो लोग बीच में, तो पी लिव बिलो ई मतलब हो गया पी ई के नीचे रहता है फ्लोर वाइज, ये ऑप्शन होगा। हु लिव ऑन द टॉप फ्लोर, आंसर इज आर, आर रहता है टॉप पे, ये आपके सामने ऑर्डर पे, ठीक है, वेरी इजी क्वेश्चन, आई होप आपसे बना होगा ये क्वेश्चन। आगे चलते हैं, फोर नंबर्स हैव बीन गिवन आउट ऑफ विच थ्री आर अलाइक इन सम मैनर एंड वन इज डिफरेंट, सिलेक्ट द डिफरेंट वन, आई बिलीव कि ये भी आपका आंसर बहुत इजीली आ चुका होगा,
बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये भी, आप देख सकते हैं 157, 167, 177, 137, इनमें आपके पास जो नंबर हैं गाइज, ये सभी नंबर प्राइम है, ये नंबर प्राइम, ये नंबर प्राइम, ये नंबर प्राइम, दिस इज नॉट प्राइम। ये प्राइम क्यों नहीं है देख लीजिए, 7 + 7 + 1 = 15 से हमारा है, 3 से डिविजिबल है, इज नॉट अ प्राइम नंबर। आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे आते हैं, लास्ट क्वेश्चन। द फॉलोइंग क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ क्वेश्चन एंड टू स्टेटमेंट S1 एंड S2 बिलो इट। व्हेन इज सचिन बर्थडे दिस ईयर, सचिन का बर्थडे इस साल कब था, सचिन का बर्थडे इस साल कब था। स्टेटमेंट वन, इट इज बिटवीन March 15 and March 18, 15 मार्च से 18 मार्च के बीच में था, यानी 16 को हो सकता है, 17 को हो सकता है, 18 तो नहीं हो सकता क्योंकि 18 के बीच में बोला हुआ है। सो इट सेज बिटवीन, सॉरी, इट सेज बिटवीन 15 and 18, तो कंफर्म हो गया 16 या 17। अब इससे तो आंसर निकला, और बोला है कि इट इज बिटवीन March 15 and this and March 15 वेंसडे है, और ये वेंसडे है, तो बर्थडे कब है, दिस इंफॉर्मेशन इज नॉट सफिशियंट। लेट्स रीड द सेकेंड स्टेटमेंट, सचिन का बर्थडे कब है, इट इज नॉट ऑन थर्सडे, सचिन का बर्थडे कब है, थर्सडे को नहीं है। अरे भाई थर्सडे को नहीं है, इतनी इंफॉर्मेशन से कैसे निकलेगा। बट इफ यू मर्ज बोथ दी स्टेटमेंट, अगर आप दोनों स्टेटमेंट को मर्ज कर दें, ये मालूम पड़ रहा है कि बुधवार जो है 15th को बुधवार था, यहां पे होगा थर्सडे, यहां पे होगा फ्राइडे शुक्रवार, और यहां पे हो जाएगा शनिवार सैटरडे। अब सवाल ये है कि बर्थडे कब था, पहली स्टेटमेंट से मालूम पड़ा 16 या 17 को था, और दूसरी बोलती है थर्सडे नहीं था, तो फिर क्या बचा, फ्राइडे। सो ऑप्शन अगर बात करते हैं, दोनों स्टेटमेंट को मर्ज करा, दोनों का हेल्प लिया, तब जाके आंसर निकला। तो स्टेटमेंट S1 अलोन इज सफिशियंट, नो। S2 अलोन इज सफिशियंट, नो। S1 S2 टुगेदर आर सफिशियंट टू आंसर द क्वेश्चन, बट नीदर S1 अलोन नॉर S2 अलोन इज सफिशियंट। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी। तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है गाइस, तो यहां पे आपका मेंटल एबिलिटी का सॉल्यूशन जो है वो फिनिश होता है।